यह है फ्रंट पार्ट और इसका जो अस्तर लगता है ये है अस्तर। अस्तर का साइड में जो एक पार्ट ज्वाइन होता है, क्योंकि ये कपड़ा ना दिखे इसलिए ये ज्वाइन होगा, ये वाला, इसे करके आपको ज्वाइन मारना है बस। तो गाइस आज का वीडियो में हम काटेंगे जोरकोट। तो गाइस आप लोग देखो और सीखो जोरकोट कैसे काटता है, एकदम इजी तरीका से आपको दिखाएंगे काट के। चलो वीडियो स्टार्ट करता है गाइस। अभी काटेगा तो इसका लंबाई लेते हैं पहले। ये जो चेस्ट का मेजरमेंट लिया है, एक ही मेजरमेंट लिया है, एक्चुअली जोहरकोट का तीन मेजरमेंट लेना चाहिए आपको। बॉडी जो है, वेस्ट जो है, कमर जो है, तीनों का लेना है, लेकिन मैंने एक लिया है इसलिए इसका जो बॉडी है और पेट है, हिप्स भी है, सब बराबर ही है, इसलिए मैंने खाली बॉडी का मेजरमेंट लिया है। तो गाइस अभी आपको ध्यान देना है, अभी हम इसको झुकेंगे। पहले आपको झुकना है 27.5, यहाँ से आधा इंच सोर के आपको लंबाई जो है 27.5 में ऐसे करके निशाना लगाना है। तो गाइस लगा लिया, और जो गाइस यहाँ से जो है गाइस 2 इंची प्लस करके देना है, क्योंकि अगर ये छोटा हो जाएगा ना तो ये बड़ा कर सकेगा। तो ये मेरा लंबाई का निशाना हो गया। अभी इसको आर्म होल का हिसाब लगाना है। तो गाइस इसका सेट जो है गाइस 38.5 है, तो आपको चार हिस्सा में डिवाइड करना है। यहाँ से डिवाइड करने के बाद गाइस देखो आपको 9.5 एक सूता आएगा, तो आपको 9.5 एक सूता में ऐसे करके निशाना लगाना है। गाइस लगा लिया, ये जो ये बात जो निशाना है गाइस इसको सीधा करना है। नीचे भी आपको इसको ऐसे करके सीधा करना है, दोनों निशाना इसको सीधा करना है। तो गाइस मैंने सीधा कर लिया। तो गाइस यहाँ आपको ऐसे करके एक ठो निशाना लगाना है आगे, और जो है यहाँ से और एक ठो और निशाना ऐसे करके लगाना है, क्योंकि ये आपका सिला के लिए, ये है आपका बटन जो होगा। ये यहाँ से आपको चेस्ट का हिसाब करना है। गाइस चेस्ट जो है गाइस सारे हिस्सा में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद गाइस देखो 9.5 एक सूता आ रहा है, इतना आएगा गाइस आपका 9.5 एक सूता इतना आएगा। यहाँ से आपको इतना तक निशाना लगाना है गाइस। लूजिंग देना है आपको 1 इंची ऐसे करके, तो मैंने लूजिंग दिया और बार लूजिंग मैंने 1 इंची दिया, और बारती जो है गाइस आपको 1 इंची रखना है ऐसे करके, क्योंकि ये अगर टाइट होगा ना लूज भी कर सकता है। तो हो गया यहाँ। तो गाइस अभी जो है इसका जो है यहाँ आपको लास्ता कैसे करके फीता पकड़ना है, पकड़ के आपको लास्ता कैसे करके जो है मेजरमेंट करना है ऐसे करके। अभी इसको ये वाला जो निशाना है इसको सीधा करना है आपको ऐसे करके सीधा करना है। ये जो है गाइस ये यहाँ से 1 इंच है, यहाँ आपको 1 इंच ऐसे करके लगाना है, लगा के ये भी आपको ऐसे करके सीधा करना है। सीधा कर लिया गाइस, हो गया गाइस। ये है मेन सिला, इससे सिला होगा, ये जो है गाइस इतना तक बात ही रहेगा गाइस। ये हो गया। अब इसका यहाँ से जो है गाइस शोल्डर का निशाना करना है। शोल्डर जो है गाइस इसका 18 है मतलब 18, तो यहाँ से आपको जो है 9 में रख के ऐसा करके निशाना लगाना है। आधा इंची जो है गाइस ऐसा करके आपको सिला के लिए लगाना है, लगा दिया। यहाँ से जो है गाइस 1.5 इंची डाउन में एक निशाना ऐसा करके लगाना है। तो गाइस इसका जो चेस्ट है 38 है, उस हिसाब से आपको नेक होगा 16 इंच, तो आपको ना 3 इंची 2 सूता में ऐसे करके एक निशाना लगाना है, ऐसा करके रख के आपको ऐसे करके एक निशाना लगाना है ऐसे करके। इधर भी आपको 3 इंची 2 सूता में एक निशाना ऐसे करके लगाना है गाइस, देखो ऐसा है। अब इसको आपको ऐसे करके सीधा करना है ऐसे करके, तब इसको हम ऐसे करके गुलाई कर देंगे, हो गया। अभी इसको ये वाला निशाना जो है इसको हम इसे करके सीधा करेंगे, देखो ऐसा है।
इसको अभी सेव कर देना है। यहाँ से जो है गाइस इसे करके हम सेव कर देंगे, इसे करके गुलाई कर देंगे थोड़ा। बस ये देखो, ये जो है गाइस जोहर कोट का होने वाला है। अभी इसको काटेंगे, ये जो है गाइस फ्रंट पार्ट है, अभी इसको काटेंगे। गाइस आप लोग देखो और सीखो हम कैसे काटता है। थोड़ा सा गाइस यह आपका यहाँ जो है गाइस थोड़ा सा शेप आप दे सकता है ऐसे करके, थोड़ा सा इतना तक ही। ये तो पेड है, इधर नहीं, इतना तक थोड़ा सा आप शेप जो है गाइस ऐसे करके दे सकता है, ऐसे करके जो है दे सकता है, ऐसे करके आपको जो दे सकता है गाइस। चलो मैंने दे दिया, अभी हम काटेंगे यहाँ से, ऐसे करके काटेंगे। हम इधर से काटेंगे गाइस, देखो ऐसा करके काट लिया। यहाँ से जो है गाइस 3 इंची ऊपर एक निशाना लगाएंगे, क्योंकि इतना तक फल्ला रहेगा। जोरकुट का जो होता है ना फल्ला होता है, तो मैंने फ्रंट पार्ट काट लिया, अभी बैक पार्ट काटेंगे गाइस। ये है बैक पार्ट, इसका ऊपर इसको हम बिछाएंगे ऐसे करके। ये वाला जो निशाना है ना आपको इतना तक रखना है ऐसे करके, ओके ऐसे करके रखना है। ये वाला हिसाब से आपको इतना तक भी आपको ऐसे करके रखना है। रख लिया गाइस। जोहरकुट का जो होता है ना बार्ती का उतना ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा इतना करके बाती रखो, क्योंकि ना तो पीछे साइड जो होता है ना गाइस झूलता है, इसलिए आपको बार्ती का उतना ज़रूरत नहीं है। पीछे साइड का कुर्ती या कुर्ता का जैसा आपको बराबर ही काटना चाहिए। देखो मैंने अभी इसको बराबर काट देंगे यहाँ से ऐसे करके, ना तो ये पीछे साइड झूलेगा। सो गाइस ये जो जोहरकुट होता है गाइस एकदम आसान वाला तरीका से मैंने काट के दिखा आपका। अलग अलग तरीका का वो जोहरकुट भी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना गाइस ये एकदम आसान तरीका वाला जोहरकुट है गाइस। तो गाइस यहाँ से जो है आपको यहाँ से जो है आधा इंची से थोड़ा सा ज़्यादा इतना तक आपको मतलब दो सौ तक एक इंची तक आपको ऐसे करके निशाना जो है लगा के बस ये काट देना है ऐसे करके। तो मैंने गाइस इसको देखो काट दिया, तो इसको हम ऐसे करके नस लगाएंगे। तो गाइस ये देखो हो गया, मैंने गाइस ये जो काटा है ना ये लालिन काटा है। तो गाइस देखो मेरा लालिन जो है काट लिया। तो गाइस इसका इधर ऐसे करके ये काट लगाना है, इसमें और एक कपड़ा लगेगा, जो मेन पार्ट जो होता है ना गाइस उसमें एक कपड़ा लगेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये बैक पार्ट अभी हम साइड करेंगे, इसको देखो साइड कर लिया। तो गाइस ये स्केल से आपको जो है ऐसे करके आपको लेना है ऐसे करके लेके जो है गाइस आपको इसको काट देना है ऐसे करके। तो गाइस देखो मैंने इसको ऐसे करके काट लिया। अभी जो है गाइस इसका मेन कपड़ा काटना है। Yeah,
फ्रंट भी काटा है, ये भी काटा है। तो गाइस अभी हम ओरिजिनल जो कपड़ा है वो काट के आपको दिखाएंगे। ये जो मैंने टुकड़ा निकाला है किसे करते हैं, तो ये है कपड़ा, ओरिजिनल कपड़ा ये। सो गाइस अभी ये जो है ये फ्रंट पार्ट है गाइस। सो गाइस जो ओरिजिनल पार्ट होता है ना गाइस, ऐसे करके आपको काटना है, पूरा इसका बराबर काटना है आपको। ऐसे करके काटना है। तो गाइस देखो मैंने ये जो फ्रंट पार्ट है काट लिया, अभी इसको मैंने इसको साइड करेंगे, इसको साइड करेंगे। ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट काटिंग, अभी हम देख लेंगे यहाँ से होता है कि नहीं होता है। तो गाइस होता होगा ये जो है गाइस, ऐसे करके काटना है। ये थोड़ा इस तरफ से थोड़ा सा बाती करके आपको जो है गाइस ऐसे करके काटना होगा, ऐसा करके आपको काटना है। देखो गाइस ये काटिंग हो गया, ये अभी इसको फेंक सकता है गाइस। गाइस ये जो होता है ना ये ऐसे होगा, देखो ये ऐसा होता है। ये आपका जगह आप अगर जब सिलाएगा ना, ये अंदर से ये वाला कपड़ा नहीं दिखेगा, देखने से ये दिखेगा, इसलिए इसको काट के आपको साइड से फेंकना है। बस ये फेंक दिया, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट भी हो गया। इसका साथ जो लाइलिन का साथ जो आपको ये वाला कपड़ा जुड़ना है ये भी हो गया। अभी काटना है गाइस बैक पार्ट, तो चलो बैक पार्ट काटेंगे। ये है बैक पार्ट, खाली इसको बिछा के आपको खाली काटना है पास। तो गाइस ऐसा होता है जोहर कोट, मेरा जोहर कोट जो है गाइस काटिंग खत्म हो गया। जोहर कोट का नीचे अस्तर लगता है, ये है अस्तर, ये है मेन पार्ट, और ये है बैक पार्ट, और ये है आपका जो होता है गाइस, ये है फ्रंट पार्ट, और इसका जो अस्तर लगता है ये है अस्तर। अस्तर का साइड में जो एक पार्ट ज्वाइन होता है, क्योंकि ये कपड़ा ना दिखे इसलिए ये ज्वाइन होगा, ये वाला ऐसे करके आपको ज्वाइन मारना है। बस ट्रेन मार के जो है गाइस सिलाना है। इसमें जो है गाइस पेस्टिंग जो है गाइस, इसमें पेस्टिंग करना है, इसमें पेस्टिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। पेस्टिंग करके इसका साथ जो है सिलाई करना है, और इसका
इसमें पेस्टिंग करना है। बैक पार्ट में जो होता है गाइस उसमें पेस्टिंग का ज़रूरत नहीं होता है, खाली इसमें पेस्टिंग होगा और इसमें पेस्टिंग होगा, ये दोनों में पेस्टिंग होता है गाइस। तो गाइस मेरा वीडियो आज इतना तक ही, वीडियो अगर अच्छा लगे गाइस जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।